अभी हम परसरमा जा रहे हैं सुपौल से। सुपौल से लगभग परसरमा का डिस्टेंस वही 10 से 12 किलोमीटर होगा। वहाँ एक एसी को रीइंस्टॉल करना है, मतलब वो एसी जो खुल के कहीं से आया है और उनको इंस्टॉल करना है, और ये परसरमा चौक के पास ही है, तो वहीं अभी हम पहुँचेंगे पहले कस्टमर के यहाँ। परसरमा हम पहुंच गए हैं कस्टमर के यहाँ, और यही वो एसी है। इस एसी को 12 मई को परचेज किया गया था, और ये भागलपुर से खुल करके आया है यहाँ पे। सर का ट्रांसफर हो गया है सुपौल में ही। 5-स्टार डुअल इन्वर्टर एसी है ये, और इसको इस दीवार पे ही लगाना है जहाँ हम छेद कर रहे हैं अभी। दस इंची का दीवार है ये, तोड़ने में थोड़ा कठिनाई हुआ लेकिन टूट गया। एसी का आउटडोर जहाँ लगेगा वहाँ जाने के लिए हमको इस यहाँ से जाना होगा। ये एलिवेटर है, और एसी का जो है बैक टू बैक पाइप निकला है वो यहाँ है, और आउटडोर जो है जस्ट साइड में लगेगा यहाँ पे। इसको आप रख लीजिए उसके छज्जा पे, तार वेंटिलेटर। एक एक पार्ट का वीडियो देखता हूँ लोग क्या। स्टैंड जो है हम ठोक दिए हैं एसी का, अब बस आउटडोर रखना है। इंस्टॉलेशन वाला सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया है, अब बस स्टार्ट हुआ ले लेता है। और एसी चालू, एसी कर देते हैं तो हाई कूलिंग पे चला गया ये। यहाँ से आप 5-in-1 4 मोड कर रहे हैं ना। हाँ, इसे देखिए अभी 80 किए थे, कितना टाइम। ये परसरमा में जो एसी इंस्टॉलेशन हम कर दिए, अब यहाँ से हम सहरसा जा रहे हैं। वहाँ कुछ कंप्लेन है एसी का ही, तो वो जाकर देखते हैं कि एसी में क्या दिक्कत है। पहले अभी हम सहरसा पहुँचेंगे, उनके बाद हम कस्टमर के यहाँ जाएंगे। तो पहुँचते हैं पहले सहरसा। सहरसा में आलोक पनीर कॉर्नर करके एक शॉप है जिसमें ये एसी लगा हुआ है, और इनका इंडोर मोटर खराब है, तो मोटर ला के यहाँ रख दिए। अभी हम मंत्री जी, सहरसा में जो मंत्री जी का घर है, आलोक रंजन झा जी जो अभी हमारे संस्कृति, बिहार के संस्कृति मंत्री है, उसी के यहाँ कारखाना में ये एसी लगा हुआ है, और इसको जो है यहाँ से हटा के अभी जो दिखा है वहाँ लगाना है। तो आउटडोर जो उतार दिए हैं और स्टैंड यहाँ लगा दिए हैं, वो इसलिए क्योंकि बार बार एसी ट्रिप हो जा रहा था। उसके सामने जो है नया दीवार अभी खड़ा कर दिया गया है, इस वजह से हीटिंग नहीं पास होने की वजह से बार बार जो है ट्रिप कर जा रहा था, तो इसीलिए उसको शिफ्ट करना था यहाँ पे। आलोक पनीर करके जो दुकान था वो भी मंत्री साहब का ही दुकान है, वहाँ सब तरह का मिठाई मिलता है, कारखाना यहीं से बन के जाता है वहाँ मिठाई। तो वहाँ मोटर जो सिर्फ रख दिए हैं, मोटर लगाए नहीं है, क्योंकि मोटर बोले सिर्फ हमको वहाँ रख दीजिएगा, वो जब लगाए या लगवा ले कहीं से। आउटडोर जो हम रख दिए यहाँ पर स्टैंड लगा के, और पाइपिंग जो है छोटा पड़ रहा है, तो पाइपिंग है 5-8 का पाइपिंग है, पाइप जो मेरे पास है नहीं, और रात भी हो गया, टिप टिप पानी बरस रहा है, इसीलिए आज इसको छोड़ देंगे। और आलोक रंजन झा जी जो मंत्री जी हमारे, ये फोटो देख रहे हैं नीचे। तो अभी हम सहरसा से सुपौल आ गए हैं, और रात के लगभग 8:30 बज रहा है अभी। वहाँ काम जो है कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें जो पाइप लगा हुआ था वो 5-8 का लगा हुआ था, हमने सिर्फ आउटडोर को जो है साइड में शिफ्ट कर दिया है, बस पाइपिंग जोड़ना है और वो एसी फिर से चालू हो जाएगा। तो उतना करके हम आउटडोर को सिर्फ स्टैंड पे रख करके चले आए हैं, और बाकी कल जो है काम जो है कल होगा। और ये मंत्री जी का आवास था वहाँ पे, जो हमारे संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा जी, उनका ही शॉप था, तो वहाँ पे एक मोटर लगना था, तो वो मोटर बोले सिर्फ हमको कि रख दीजिए, किसी टाइम लगा दिया जाएगा। और वहाँ से फिर चले गए उनके कारखाने पर जो कि उनके आवास में ही है।
तो वहां पे वो एसी बार बार ट्रिप हो जा रहा था, वो इसलिए क्योंकि आउटडोर के सामने जो है दीवार जो है खड़ा कर दिया गया पड़ोसी के द्वारा, वो घर बनाया तो दीवार जो है उसके सामने आ गया, उस वजह से वो ट्रिप कर जा रहा था, तो उसी को शिफ्ट करने के लिए गए थे, तो शिफ्ट तो कर दिए लेकिन पाइपिंग अभी जोड़ने के लिए बाकी था, तो इतना काम बाकी था। हम रात हो रहा था और पानी भी टिप टिप बरस रहा था, तो हम जो है छोड़ के चले आए। तो आज के ब्लॉग को भी बस यहीं तक समाप्त करेंगे, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अब नेक्स्ट कंप्लेंट पर।